जय श्री राम भक्तों, जय बजरंग बली, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार पहुँचे हैं दुमई। जी हाँ, जो सबसे बड़ा शहर दुमई है। देख सकते हैं, सभी दुमई के भक्त गुरुदेव के चाहने वाले पूज्य श्री दिहिंद्र शास्त्री जी। जी हाँ, गुरुदेव की देख सकते हैं तिरछी तिरछी नजरें, मुस्कुराहट चेहरे पे, पीले वस्त्र पहने हैं, मस्तक पे चंदन और बहुत ही सुंदर सुंदर सा तेज है चेहरे पे। देख सकते हैं, मुस्कुराहट के साथ गुरुदेव मिले, हेलीकॉप्टर से सफ़र किया, पहुँचे वहाँ पर और स्वागत में काफ़ी भक्तों ने राह में बहुत सारे पुष्प बरसाए, बहुत अच्छे से स्वागत किया, पुष्प बरसाए। और आप तो जानती हैं दुमई के वहाँ पे वस्त्र कैसे पहनते हैं, उनका लिबास क्या है, आपको अच्छे से सभी भक्तों को पता है। देख सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार पहुँचे, वहाँ पे चाहने वाले सभी भक्तों की लाइन लगी और जिस जिस की जैसी श्रद्धा थी वैसे गुरुदेव के स्वागत में खड़े हुए और बहुत अच्छे से गुरुदेव का सम्मान किया। बहुत ही आनंद आया और गुरुदेव सभी से मिले। दुबई में पहली बार गुरुदेव गए हैं, अब दुबई का सफ़र बहुत अच्छा रिया। गुरुदेव का सबसे मिले, वहाँ पे बैठे, दरबार भी कुछ टाइम बातें भी की, किसी के पर्चे बनाए, बातें की, पोले खोली और कुछ अपने बारे में बताया, बालाजी के बारे में बताया और उन सबके हाल चाल पूछे। जिसका जैसा मन था उसकी वैसी भावना बताई। गुरुदेव ने बहुत थोड़े शरारती भी, हमारे गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं किसी न किसी की ठटरी तो वार के ही आते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने कांड किया नहीं। इसलिए हमारे बालाजी का वाईफाई बहुत पावरफुल है, हमारे गुरुदेव का वाईफाई बहुत पावरफुल है, जिससे जो जैसा होता है एकदम कनेक्शन जुड़ जाता है। देख सकते हैं, उनके मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। उन्होंने सबने स्वागत किया गुरुदेव का, तिलक लगाया, घर में विराजमान किया और गुरुदेव को बहुत सारे पटके पहनाए गए, जो पीले वस्त्र दिख रहे हैं, पीले पटके दिख रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहनाई, शॉल उड़ाया और गुरुदेव ने बहुत ही नटखट बातें की, बहुत शरारत की, सभी को हंसाया, सभी को उपहारों को स्वीकार किया। गुरुदेव को किसी ने जिसकी जैसी भावना थी वैसे उपहार दिए। देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दीपक उपयोग जला के आरती वरती किए करके गुरुदेव का अंदर प्रवेश किया, स्वागत किया और बहुत ही सोशल मीडिया वाले पत्रकार बहुत ज़्यादा पहुँच गए वहाँ पर। और जिस जिसको वैसे शहर है दुमई इतना कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है गुरुदेव की राह में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और बहुत ज़्यादा स्वागत में प्रसन्न है। देख सकते हैं, गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं अपने सनातन धर्म की ध्वज लहरा के आते हैं, हर जगह विजय पाकर आते हैं, क्योंकि जिसके साथ है संकट मोचन हनुमान तो काहे को कहाँ डरना। और जहाँ भी ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं। जी हाँ, हमारे कलयुग के राजा बजरंग बली, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, देख सकते हैं उनकी कृपा का वर्णन मैं क्या ही करूं, मेरी इतनी वाणी में कोई दम नहीं। आप देख सकते हैं, गुरुदेव के रूप को देखकर हनुमत प्रभु के दर्शन होते हैं और इनके पैरों के पे नज़र डालोगे तो आप बजरंग बली की तरह दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर सिंपल से रहते हैं गुरुदेव और मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना है। और कहते हैं भक्तों, गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है बजरंग बली को गुरु बना सकते हैं। और कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है, ज्ञान भी गुरुवर के बिना अधूरा है, और ज्ञान नहीं मिलता गुरुवर के बिना, गुरुवर ही परमात्मा से मिलाते हैं, ऐसे सच्चे गुरु किसी किसी को प्राप्त होते हैं। जैसे गुरुदेव का देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गई गुरुदेव के लिए, वाइट कार जो कि बहुत करोड़ों रुपए की कार है और बहुत ही अच्छे, जिसमें गुरुदेव राज के बैठ के आए और स्वयं खुद ही अपने हाथों से वो चला के ले गए, जिसने निमंत्रण दिया था गुरुदेव को, घर में बुलाया था अपने, वो स्वयं खुद गुरुदेव के ड्राइवर बने, खुद ही आए अपनी कार में बैठा के लेके गुरुदेव को। और इस प्रेम को देख कर अधिक प्रसन्नता हुई गुरुदेव को और सभी से हाथ जोड़कर बहुत सरल तरीके से उसी स्वभाव में गुरुदेव सभी भक्तों से मिले और सभी को धन्यवाद दिया। जितना स्वभाव सरल तरीके से हमारे गुरुदेव मिलते हैं, सभी भक्त भी बहुत लाइन खड़े रहिए उनकी राह में और स्वागत में। देख सकते हैं, चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।